गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम इन क्लास फोर्थ। आप पढ़ रहे हैं आपकी फोर्थ क्लास से 9 लेसन रामू एंड द मैंगोज, रामू और आम। इसमें आप देख रहे हैं ये रामू है और ये मैंगो है, आम है, और इसने इस आम को काटा है और काट कर ये इसको क्या कर रहा है, चख रहा है, इसको खा रहा है, और इसके हाथ में क्या है, चाकू। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में कुछ बताया था। इसके आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। वो रामू से क्या कहता है कि जब मेरा दोस्त आए तो 2 कप कॉफ़ी बनाना और ये आम काट कर लेकर आना। मेरा दोस्त कभी भी आता होगा तो जब भी वो आए ये आम और कॉफ़ी लेकर आना। रामू टुक द मैंगोज टू द किचन एंड कट देम। रामू ने क्या किया, वो जो आम थे उनको वो रसोई में ले गया, किचन मीन्स रसोई, रसोई में ले गया एंड कट देम, और उन्हें काटा विथ अ नाइफ, एक चाकू की मदद से। नाइफ का मतलब क्या होता है, चाकू। चाकू की मदद से उस आम को उसने काटा। देन यानी तब, टू मेक श्योर दैट वर नॉट श्योर। देन यानी तब, टू मेक श्योर यह निश्चित करने के लिए, दे वर नॉट श्योर कि आम कहीं खट्टा तो नहीं है, श्योर यानी खट्टा, कि कहीं ये आम खट्टे तो नहीं है। ही पुट वन पीस इन हिज माउथ, माउथ यानी मुंह। उसने वन पीस यानी एक टुकड़ा, जो उसने आम काटा था उन कटे हुए आमों में से एक टुकड़ा उसने अपने मुंह में रख लिया। तो वो क्या जांच करना चाहता था, रामू ये देखना चाहता था कि कहीं आम खट्टे तो नहीं हैं, यह देखने के लिए उसने एक पीस अपने मुँह में रख लिया। आह हाउ स्वीट इट टेस्टेड। अब रामू क्या कहता है कि आह ये कितना मीठा है, स्वीट का मतलब मीठा है, यह स्वाद में कितना मीठा है, इसका स्वाद कितना मीठा है। इफ़ आई ईट जस्ट वन मोर पीस द मास्टर विल नेवर नो। अब वो क्या सोचता है कि यदि मैं एक और पीस इसमें से खा लूं। अब रामू के दिमाग में क्या बात आई, पहले तो उसने एक पीस को चखा था तो वो उसे मीठा लगा, तो उसने सोचा कि यदि मैं एक पीस और खा लेता हूं, ईट यानी खाना, अगर मैं एक पीस और खा लेता हूं, द मास्टर विल नेवर नो, नेवर यानी कभी नहीं, तो मास्टर को यानी मालिक को कभी भी पता नहीं चलेगा, नो यानी जानना, मालिक कभी नहीं जान पाएगा। ही थॉट, थॉट यानी सोचना, ही थॉट यानी वह सोचने लगा। ही पुट वन मोर पीस इन टू हिज माउथ एंड देन वन मोर। ही पुट वन मोर पीस, उसने एक और पीस उठाया और अपने मुंह में रख लिया। एंड देन वन मोर, और इस तरह उसने और एक पीस उठाया और अपने मुंह में रख लिया। इन अ फ्यू मिनट्स, इन अ फ्यू मिनट्स, फ्यू यानी कुछ, कुछ ही समय में, कुछ ही मिनट्स में, द प्लेट वॉज एम्प्टी, प्लेट खाली हो गई। अब क्या हुआ, थोड़ी देर में वो प्लेट खाली हो गई। रामू फेल्ट अ लिटिल फ्रेटन्ड। रामू फेल्ट, रामू फेल्ट उसने भयभीत महसूस किया अपने आप को, फ्रेटन्ड यानी भयभीत, उसने अपने आप को, वो डर गया, जैसे उसने वो आम, सारे कटे हुए आम खा लिए तो उसको डर महसूस हुआ, वो डर गया। द मास्टर वाज श्योर टू बीट हिम। अब मालिक निश्चित ही उसे पीटने वाला था, उसने क्या सोचा, अब मालिक मुझे ज़रूर पीटेंगे, श्योर निश्चित रूप पे, बीट यानी पीटना, निश्चित रूप से पीटेंगे। जस्ट देन यानी उसके उसी समय ही हर्ड हिज मास्टर कॉलिंग, उसी समय उसने अपने मालिक की आवाज़ सुनी। रामू हैव यू कट द मैंगोज, रामू क्या तुमने आम को काट लिया है। हैव यू कट द मैंगोज, मैंगोज यानी आम, क्या तुमने आम को काट लिया है। कीप द कॉफ़ी रेडी टू, और कॉफ़ी भी तैयार रखना, टू यानी भी, कॉफ़ी भी तैयार रखना। माई फ्रेंड
विल बी हियर एनी मिनट्स. मेरा दोस्त माई फ्रेंड यानी मेरा दोस्त कभी भी यहाँ पे आ सकता है. तो यहाँ इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि रामू डर गया था. रामू क्यों डर गया? क्योंकि उसने एक एक करके सारे आम के पीस जो काटे थे वो खा लिए. तो वो भयभीत हो गया कि अब तो मालिक मुझे निश्चित रूप से पिटाई करेगा, मारेगा. तो उसने उसी समय मालिक की आवाज़ सुनी. मालिक ने उसे क्या कहा कि रामू क्या तुमने आम काट लिए हैं? और कॉफ़ी भी तैयार कर लेना, मेरा फ्रेंड कभी भी आता होगा, कभी भी आ सकता है. पुअर रामू यानी बेचारा रामू. व्हाट वॉज ही टू डू नाउ? बेचारा रामू, अब उसके पास करने के लिए क्या था? डू मीन्स करना, नाउ मीन्स अब, व्हाट मीन्स क्या. तो अब उसके पास करने के लिए क्या था, क्योंकि आम तो उसने काट कर खा लिए. ही हैड ऑलरेडी ईटन अप द मैंगोज. उसने ऑलरेडी यानी पहले से ही उसने वो आम को काट कर खा लिया था. आमों को तो पहले ही खा लिया था, अब वो क्या कर सकता था. ही थॉट क्विकली. तो उसने जल्दी से कुछ सोचा, उसने शीघ्रता से सोचा. ही गॉट एन आइडिया. उसे एक विचार आया, एक आइडिया आया, विचार आया. ओ मास्टर, ओ मालिक. ही रिप्लाइड. उसने जवाब दिया. रिप्लाई यानी जवाब देना. तो उसने रिप्लाई किया. द नाइफ इज ब्लंट. चाकू कैसा है? नाइफ यानी चाकू. चाकू कैसा है? ब्लंट यानी भोंटा है. भोंटा का मतलब उसमें धार नहीं है. तो वो कहता है कि ये चाकू तो भोंटा है, इसमें धार ही नहीं है. आई कांट कट द मैंगोज विथ इट. मैं इससे आम नहीं काट सकता हूँ. कैन ये होता है कैन नॉट, इसको हम पढ़ते हैं कांट. आई कांट कट द मैंगोज विथ इट. मैं इस भोंटे चाकू से आम नहीं काट सकता हूँ. तो यू फूल, तुम मूर्ख. वाई डिड नॉट यू टेल मी अर्लियर. ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया. अर्लियर मतलब पहले. ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया. द मास्टर शाउटेड. वह मास्टर चिल्लाया. ब्रिंग द नाइफ हियर. ये चाकू इधर लेके आओ. आई विल शार्पन इट फॉर यू. ये चाकू मैं तुम्हारे लिए घिसकर तीखा करूँगा. तो रामू ने क्या किया, आम खा लिए तो वो भयभीत हो गया. और जो मास्टर था, अब उसे लग रहा था कि वो ज़रूर मुझे पीटेगा. उसी समय मास्टर यानी मालिक ने उसे आवाज़ दी कि रामू क्या तुमने आम काट लिए हैं और कॉफ़ी बना दी है, मेरा दोस्त कभी भी आ सकता है. तो बेचारा रामू अब वह क्या कर सकता था, क्योंकि उसने आम तो पहले से ही खा लिए. अब उसने शीघ्रता से सोचा, जल्दी से सोचा. उसको एक विचार आया, एक आइडिया आया. उसने अपने मालिक से कहा कि चाकू तो भोंटा है, मतलब चाकू के अंदर तो धार ही नहीं है, अब मैं इस चाकू से आम नहीं काट सकता हूँ. तो मालिक ने क्या कहा कि तुम मूर्ख हो, तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया. और फिर उसने क्या किया, उसने कहा चाकू इधर लेके आओ, मैं इसे तुम्हारे लिए घिसकर इसको तीखा करूँगा.